दिवंगत क्षेत्र में स्कूली स्तर में खेलों को बढ़ावा दिए जाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? अच्छा, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से पूरे अंडमान निकोबार के जितने एजुकेशनल जोन है तो एक कैलेंडर ऑफ एक्टिविटी बना दिया गया है सबके लिए, और उस कैलेंडर ऑफ एक्टिविटी के आधार पर ही हम लोग जो है साल भर का एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसमें सभी एज ग्रुप के बच्चों को हम लोग विशेष रूप से ध्यान देते हैं कि प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक के बच्चे इन्वॉल्व हो जाएं। तो अलग अलग एज ग्रुप के लिए मौसम के हिसाब से और फैसिलिटीज के हिसाब से हम लोग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। थोड़ा सा तकलीफ तो होता है क्योंकि पोर्ट ब्लेयर और बाकी जगह पर जो है एरिया कम है, और रंगत जोन मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जोन है, बाराटांग से लेकर गोविंदपुर वहाँ निम्बू डेरा वहाँ तक का ज्यूरिडिक्शन हमारा है। तो बाराटांग से अगर कोई बच्चा रंगत में अगर खेलने आता है, रंगत मिनी स्टेडियम है और निम्बूतला जो है वहाँ का एक अच्छा ग्राउंड है जहाँ पर हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, कोशिश हम लोग करते हैं निम्बूतला स्कूल ग्राउंड जो सबसे बेस्ट ग्राउंड है अभी सेंटर प्लेस है। अच्छा। तो इतने बच्चों को जो है हम लोग वहाँ पर ले आना ले जाना थोड़ा सा फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रिंसिपल्स के ऊपर प्रेशर ज्यादा आता है, सभी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा परेशान तो रहते हैं, इतने बच्चों को आने जाने का खर्चा प्लस खाने का खर्चा। फिर भी हम लोगों ने डिपार्टमेंट की तरफ से और अपने डिप्टी एजुकेशन ऑफिस की तरफ से हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौका दें, और लगभग सभी गेम हम लोग कवर किए हैं और अच्छा रिजल्ट भी रहा है।